गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऐसे बड़े होंगे, बड़े रह रहे, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर से मॉर्निंग हुई है जिब्बी से, और आपको जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम कैंप साइट पर रुके थे, इन्हें टेंट्स वगैरह जहाँ पे लिए थे, अभी मैंने आपको वहाँ से व्यू दिखाया है, ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हम रुके थे उस प्रॉपर्टी का थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, तो आप वो देखो, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जहाँ हम रुके थे, हम लोग रुके थे यहाँ पे, ये सबसे बड़ा यहाँ पे टेंट है, क्योंकि हम तीन लोग थे तो हम तीनों इसी में अकोमोडेट हो गए थे, ठीक है। आगे भी ये जो वो तीन लोगों का ही है, और जो बाकी ये है ये सिर्फ दो बंदों के लिए है, ठीक है। और आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, और वहाँ पे किचन है, रेस्टोरेंट है, अगर आपने कुछ खाना है, डिनर या ब्रेकफास्ट या लंच कुछ भी। और यहाँ से व्यूज़ देखो, नीचे रिवर, माउंटेन्स, क्लाउड्स, मस्त। और आज पता है वेदर बिल्कुल क्लियर लग रहा है, अभी बारिश का कुछ लग नहीं रहा है सीन। तो अभी वहीं पे जाएंगे, ठीक है, ओल्ड हाउस कैफ़े, वहाँ पे ब्रेकफास्ट है हमारा। ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम जाएंगे जीबी को कुछ और एक्सप्लोर करने, देखते हैं कुछ क्या है। और यहाँ पे देखने का मिनी थाईलैंड जिसको कहते हैं, वो देखते हैं अगर देख पाएंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, नींद बहुत अच्छी आई है। आई होप सो आप लोग भी जो जीबी की ये सीरीज़ है इन्जॉय कर रहे होंगे। तो मिलने कौन आया? हाँ भाई, सही है, बहुत ही बढ़िया यार। गाइस, मैंने आपको एक और अपडेट बोलना था कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि तीर्थन वैली जीबी अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, इस सारी वैली को तीर्थन वैली कहते हैं। और तीर्थन एक छोटा सा एक गांव सा है, वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे बस प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, जैसे आप जीबी में रह के ना जीबी को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ट्री हाउसेज हैं बहुत ज़्यादा, जो मैंने शायद पहले भी बताया होगा, और आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हो, अच्छी फीलिंग ले सकते हो। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट कोई बात नहीं यार, आप एक वन टाइम तो कर सकते हो इन्जॉय। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये वैसे महंगी है, मतलब इट कॉस्ट यू फॉर वन नाइट 2500, लेकिन हमारे जान पहचान के लोगों का था तो हमें 1000 रुपीज़ में, तो तीन बंदों को 1000 रुपीज़ में इतनी अच्छी जगह मिली स्टे करने की विद अ व्यू। तो सीरियसली यार, शाउट आउट, ह्यूज शाउट आउट टू ओल्ड स्कूल जीबी कैफ़े, ठीक है, वहाँ ज़रूर आओ यार। वहाँ पे आशीष भाई हैं, उनसे ज़रूर मिलना, ठीक है। और एक नीति कैफ़े जो आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा, पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, वहाँ पे आप जाओ, साकेत से मिलो, ठीक है, ही इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, और बहुत ही अच्छा यार, उसने भी कैफ़े बनाया है। तो आप ज़रूर आओ, फैमिली के साथ आओ, ठीक है, यू कैन ऑल्सो विजिट विद योर पेरेंट्स, मतलब एक ऐसी जगह है जो आप पेरेंट्स के साथ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बाकी अभी क्या बोलेंगे हम, चलो चले चले। गाइस, बस यहाँ से निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने लोकेशन पे, तो वहीं पे हो रहा है हमारा, कल डिनर भी वहीं हुआ था, ब्रेकफास्ट वहीं है। और दिखाते हैं आपको, जो रात को आपको रास्ता नहीं दिखा पाए ना अभी कैसे उतरेंगे, तभी उसकी थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं। तो बस यहाँ से उतरना है नीचे, तो गाइस वो रहा ओल्ड स्कूल कैफे जिब्बी, वहीं पे हम जा रहे हैं। रात को कुछ और न जा रहे थे, अभी कुछ और है। ब्रेकफास्ट कर लिया है, ठीक है, अब जा रहे हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। गाड़ी पार्किंग में आ गए हैं, गाड़ी में सामान रख दिया है, अब बढ़ेंगे आगे की तरफ, तो मिलते हैं रोड पे जाके। तो यहाँ पे पार्क कर दिया है, और जो मिनी थाईलैंड है वैसे नॉर्मली लोग कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो इसका नाम रख दिया अब कुली कदांती विरारी आल। तो यहाँ से भी नीचे जाएंगे, ट्रैकिंग है 15-20 मिनट्स की, और लोकेशन देखते हैं यार कैसी है। से आ रहे हैं पैदल, ठीक है, और अभी यहाँ जाना है, यहाँ पे कैफ़े भी है, ठीक है, उससे आगे जाना है सीधा मंगलपुरा। यहाँ से आए हैं, अभी अंदर है मिनी थाईलैंड, दिखाते हैं आपको। इज़ द प्लेस, इसको मिनी थाईलैंड कहते हैं, देख सकते हैं दो केव्स हैं, ठीक है, दो बड़े बड़े पत्थर हैं, तो उससे केव बन गई, और कितना अच्छा लग रहा है, तभी लोग थाईलैंड की फीलिंग लेते हैं यहाँ पर आके। और सीरियसली यार, मस्ट विजिट प्लेस है ये भी, आप यहाँ के बैठ सकते हो, आराम से चिल मार सकते हो। रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट नहीं यार, हो जाएगा,
ब्यूटीफुल। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं फिर निकलेंगे। आ चुका हूँ, आप लोगों को भी दिखा चुका हूँ, ठीक है। अच्छी जगह है यार, आप जाके वहाँ पे बैठ सकते हो, इन्हें वाइब्स ले सकते हो, बहुत ही अच्छे सुंदर है, ब्यूटीफुल है। आप लोगों ने भी देख ही लिया होगा थोड़ा बहुत, तो वीडियो से आइडिया लग ही जाता है, ठीक है। अभी का जो प्लान है अभी कुछ नहीं पता है, देखते हैं कहाँ जाते हैं, ठीक है। बाकी दिखाएंगे आपको नज़ारे और आप करो इंजॉय। गाइस अभी जीबी से निकल चुके हैं, प्लान में थोड़ा चेंज हो चुका है, चेंज क्या हुआ वो आपको आगे जाके थोड़ा बताऊंगा। अभी थोड़ा सा रास्ता देखो, अभी बंजार आने वाला है, मुझे लग रहा है बस वहाँ पे ट्रैफिक जैम ना हो, वैसे शायद ही होगा बट हो भी सकता है यार दिन में, ठीक है। तो देखते हैं अभी, पर मज़ा बहुत आ रहा है यार, जीबी का बहुत अच्छा ट्रिप रहा, आप लोगों ने भी इंजॉय करा मेरे साथ, और अभी आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, अभी आपको आगे जाके बताएंगे। तो संडे है यार, मार्केट बंद है, बढ़िया हो गया ये तो, पर देखो फिर भी गाड़ी आ गई। अब यहाँ पे इतना क्लोज है ना, बस अभी रास्ते में थोड़ा सा ब्रेक लिया है, ठीक है, टी ब्रेक लिया है, और जाने का मन नहीं कर रहा है, धीरे धीरे जा रहे हैं। होता है ना जब आप वापस जाते हो किसी जगह से तो आपका दिल थोड़ा वो हो जाता है, बट यार निकलेंगे तभी किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे, और वो आप लोगों के लिए सरप्राइज होने वाली है, ठीक है। उसके बारे में आपको वहाँ पहुँच कर ही बताऊँगा, तब तक रास्ता इंजॉय करो यार, ठीक है। और बस टनल आ चुकी है, अब यहाँ से वैसे कायदे से तो सीधा जाना है, लेकिन हम जाएंगे राइट की तरफ, पर वो अभी आपके लिए सरप्राइज है कि राइट में जा कहाँ रहे हैं, बहुत जगह हैं, देखो तो सही, चलो तो सही। सोल बस आने वाला है, एक्चुअली प्लान एकदम बना क्योंकि हमारे पास आज का दिन था, तो हमने सोचा जीबी तो पूरा एक्सप्लोर हो गया और कहाँ जाए, तो कसोल ही पास में ऑप्शन थी, मनाली हम जाना नहीं चाहते, ऑलरेडी बहुत बार जा चुके हैं, तो बस कसोल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे भी एक नॉन का ही कैफ़े है कुदरती, एक और नॉन निकल आया, तो उसका कैफ़े भी है, उसका हॉस्टल भी है, तो वी विल स्टेइंग देयर, और फिर देखते हैं अभी क्या क्या सिचुएशन है। आई होप सो आप लोग आज वाला व्लॉग इन्जॉय कर रहे हो। बाकी वादियाँ यहाँ की तो अलग ही वाइब्स हैं, अलग ही वादियाँ हैं, तो आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पे ब्रेक लिया है, टी ब्रेक, कसोल प्रॉपर्टी हमारी ऊपर जाके 100 मीटर, ठीक है। गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है साइड में बिल्कुल, अब जा रहे हैं, देखते हैं डेस्टिनेशन कैसी है। नाम भी थोड़ा अजीब सा है, डिफरेंट है, मतलब प्रॉपर्टी उसका नाम है मेमोर होम स्टे कसोल, 100 मीटर्स अहेड। प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये कैफे है, अभी हमारा रूम है वहाँ। तो गाइस फ्रेशन है, पहुँच चुके हैं, ठीक है, अभी जाएंगे कसोल की मार्केट घूमने, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यार, मतलब इट्स नॉट दैट मच मॉडर्न बट स्टिल यार, ये होम स्टे, यार होम स्टे ऐसे ही होते हैं, यू नो, पुराना घर है और बहुत ही अच्छे, मतलब साफ सुथरा है, जो भी है साफ सुथरा है, वो मस्ट होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे कैफेज वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह मेन रोड पर आपको मिल जाएंगे, बाकी इधर भी हैं, वहीं जा रहे हैं अभी, सब कुछ है यार यहाँ पे, एवरीथिंग। माया जर्मन बेकरी पे वी जस्ट ऑर्डर क्रीम चीज केक, दिखाएंगे देखते कैसा टेस्ट है। आई होप सो जो मैंने
आपको कसोल थोड़ा सा और जो जीबी एक्सप्लोर करवाया है ना, जो लास्ट के यू नो दिस इज़ द थर्ड ब्लॉग, ठीक है, जो लास्ट के तीन ब्लॉग्स में आप लोगों ने इन्जॉय करा होगा, ये वाली जर्नी मेरी इन्जॉय करी होगी। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि सीधा ये कैसे मतलब एंडिंग पे आ गया, मतलब कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ का ये हिसाब था कि जब मैं निकला वहाँ से तो मुझे पता था कि मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा शाम को, तो मुझे जल्दी से घर पहुँचना है, तो बस वही रहा, ठीक है, ड्राइविंग करी, टाइम पे घर पहुंच गया था, शिफ्ट लगाई। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है जब मैं इस ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ यार जीबी के बारे में। जीबी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कुछ बता चुका हूँ, जीबी इज़ अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को पता लग चुका है, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम NCR, स्पेशली यू नो इन फ्रॉम साउथ ऑल्सो, काफ़ी लोग मुझे मिले जो साउथ से ट्रैवल कर रहे थे। तो सच में यार एक मतलब एक अलग ही टाइप की फील है वहाँ पे। एंड मोर ओवर कसोल का तो यार सबको पता ही है, तो कसोल के बारे में ज़्यादा कुछ है भी नहीं बताने का, और कसोल हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर भी नहीं पाए क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था, कसोल तो हम ऐसे ही चले गए थे, ठीक है। तो उसके बाद तो जीबी में जो मैंने आपको कैफेज दिखाए और बताया, एक तो नेति नीति कैफ़े जो मेरे फ्रेंड का है, मच रिकमेंडेड फूड, बहुत टेस्टी, आप ज़रूर वहाँ पे विज़िट करना। आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम का जो पेज है वो भी इसी नाम से है, नेति नीति कैफ़े। एंड जो दूसरा था ओल्ड स्कूल कैफ़े इन जीबी, ओल्ड स्कूल कैफ़े इन जीबी, ठीक है, ये भी बहुत ही बढ़िया यार, हॉस्पिटैलिटी एंड फूड एंड एम्बियंस जस्ट वाओ। और वहाँ पे भी आप विज़िट करना, वो भी हमारे नॉन का ही है, एंड बहुत ही अच्छा है यार, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े हेल्पफुल हैं। और वहाँ पे हमें पता ही नहीं लगा कैसे दो या तीन दिन जो भी छोटी सी जर्नी थी कैसे निकला टाइम, तो ऐसे ही है यार। बाकी मैं यही कहूँगा यार, व्लॉग आप देखते हो अच्छा लगता है, लाइक भी करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करो यार, थोड़ा यू नो हार्डवर्क हम भी करेंगे और ज़्यादा करेंगे, सो डैट आप लोगों को अच्छा लगे, कंटेंट भी अच्छा लगे, और आप लोगों की सपोर्ट के बिना ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहोगे, हम डिफरेंट प्लेसेस विजिट करते रहेंगे, और अभी देखते हैं नेक्स्ट कहाँ विजिट करते हैं, और ज़रूर प्लान बड़ी जल्दी ही बनेगा। तो आई होप सो ये वाली जर्नी और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा देन आपको पता ही क्या करना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, और लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, सो डैट हमारी जो एंड टू एंड ट्रैवलर्स की फैमिली है वो ग्रो करे, और ग्रो कर भी रही है, और तेज़ी से ग्रो करे, और अच्छी तरह ग्रो करे। और तब तक टेक गुड केयर ऑफ फैमिली, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले व्लॉग में, बाय बाय। Thank you.